कुछ इशू तो शादी से पहले भी देखी है हम पैक पैक वाला चलते में रोना नहीं भाई। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Vanshika Gaba Arora. This is Rati Gaba. एंड आज हम शूट करने वाले हैं एक बहुत ही फन वीडियो क्योंकि आई एम गोइंग टू आस्क रैट सम फ्यू ऑकवर्ड क्वेश्चंस जो मतलब मैं तो मतलब ऑकवर्ड ऐसे हमारे कभी कुछ बीच ऐसा हुआ नहीं बट स्टिल दीज आर लाइक अ लिटिल नेक्स्ट लेवल ऑकवर्ड क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू आस्क हमारे बीच ऑकवर्ड ऐसा क्या हो सकता है मे बी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो मैंने ऑनलाइन थोड़ा सर्च करा है एंड मैंने थोड़े वीडियोज देखे सो आई थॉट कि मुझे लगा कि हमने कभी ऐसे बात से बात करी है बट इतनी कभी बात नहीं करी है तो लेट्स सी कि इनके जवाब कितने स्पाइसी कितने जूसी मिलते हैं आप हर्षित और मुझे बीट कर सकते हो या नहीं कुछ क्लू नहीं है क्या पूछने क्योंकि हमारा ये बहुत इम्प्रोम्प्टो प्लान बना है ये व्लॉग शुरू करने का हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे वी जस्ट थॉट कि चलो ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं इनसे और मैंने इन्हें बोला कि कोई दिन भी व्लॉग मिस नहीं होना चाहिए ऑल थैंक्स टू हर क्योंकि मोटिवेशन रोज आ रही है यहाँ से तो वी आर गोना स्टार्ट ऑफ आई एम गोइंग टू आस्क हर क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ये इनका एक तो अमेजिंग पिंक सा फोन है हमारी नेल्स बताइए कैसे लग रहे हैं तो क्वेश्चंस इनके फोन पे लिखे हैं मैंने मेरे को ये पिंकी द पू ऐसा लग रहा है कोरियन फोन है किसी का इतना पिंक है ना ये फोन आई लव कलर्स शी हैज एन अमेजिंग पिंक कलर थिंग मतलब उनकी पूरी थीम देखो गाइज लुक एट दैट इट्स पिंक चलो Are you ready? Are you excited? Yes. चलिए let's begin the video. I am gonna ask her. मैंने around 10-15 questions लिखे हैं Depending इनके answer कितने लंबे होंगे but मैं चाहती हूँ कि मैं सारे questions पूछूं उनसे So let's begin. So पहला question basic रखते हैं थोड़ा सा शुरुआत easy रखते हैं हम दोनों में से कबीर और मेरे में से आपका favorite कौन है तुम माँ से पूछ रहे हो ये क्वेश्चन मेरे दोनों बात फेवरेट है जैसे अगर हम दोनों की कभी कोई फाइट होती थी तो आपको क्या लगता था कि यार ये तो हमेशा ही गलत होता है नहीं नहीं जो गलत होता था वो गलत ही होता था उसी को पढ़ती थी आई एम श्योर गाइस यू नो रैट्स अभी तो पता लगने मैं बहुत फेयर हूँ चलो क्योंकि वो लोग कहते ना कि मदर्स का बेटों से होता है डॉटर्स का फादर्स से होता है सो ऐसा कभी कुछ नॉट एट ऑल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन What is your opinion of you know having sleepovers सारे group of friends which includes boys and girls together? Yeah, I'm okay with that. क्योंकि मेरे time तक ऐसा कुछ okay नहीं था और मैं उसको वो guilt नहीं मैं हमेशा उसे कहकर मैं जताती भी हूँ कि यार somewhere मैंने आपको बहुत उसमें रखा बट जिस country में थे वहां पर ऐसी क्योंकि मैं कबीर को कहती हूँ कि उसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फ्रीडम मिली है बट इफ दे आस्क मी नाउ वंशिका या कभी कोई भी पूछे तो आई विल नेवर से नो बट हाँ आज से 14-15 साल पहले की बात होती तो डेफिनेटली वंशिका को तो कुछ भी अलाउ नहीं किया था मैंने मेरे को यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड्स भी नहीं बुला पाती थी मैं इधर अपने फ्रेंड्स भी अलाउड नहीं थे अपने घर में वी वर नॉट देयर सो नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन स्टिल या आई एम ओके विद दैट आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए अंटिल अनलेस आप कुछ हाइड नहीं कर रहे हो और I'm okay. आपने कभी क्या था अपने टाइम में से गाइज गर्ल्स स्लीप नहीं बेटा नहीं बैक देन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ कबीर घर आता है और उसके गर्दन पे हिक्की है और वो आपको आके कहता है कि मुझे मच्छर ने काट लिया ये तो मोटा मकड़ी काट गई मुझे अब अगर ये रियलिटी है तो मैं मानूंगी बट अभी हिक्की तो है ठीक है क्या है तुम्हारा टाइम है चलो पहला सीरियसली आप ये रिएक्शन दोगे ऑफ कोर्स ना व्हाट टू डू अभी तो हो गया ना जो करना था कर रहा अब मैं अपना सर पीट के क्या करूं या उस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर क्या करूं मुझे पता था कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो मैंने क्वेश्चन और प्रिपेयर करा है व्हाट इफ यू कम टू नो दैट अ गर्ल इज प्रेग्नेंट बिकॉज़ ऑफ कबीर एट दिस एज आई विल किल माय सन स्टॉप इट आई किल माय सन शी इज गोना किल माय सन ठीक है डू यू थिंक दैट इट इज सेफ टू हैव प्री मैरिटल सेक्स लाइक यूजिंग प्रिकॉशन करके प्री मैरिटल प्री रिलेशनशिप सेक्स अप टू क्या रिलेशन है किस तरह का रिलेशन अभी तो कह रही मैरिटल या तो शादी होने वाली है तो कर लिया या फिर तुम एक रिलेशनशिप में हो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो यार बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है यार इसमें कौन ये सब कहेंगे रैट्स ना सारी मम्मियां कहेंगी रैट्स बिगाड़ी है बट नहीं आपका ऑनेस्ट सबका ओपिनियन अलग अलग होता है नहीं आई एम नॉट अग्री विद दैट पॉइंट प्री प्री इवन इफ इट्स यूजिंग प्रिकॉशन यू सी नो 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 नो
कुछ चीजें होती हैं, हर चीज हर सब एक वक्त पर अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है मतलब नो आई वेट कर सकते हो, यस यू कैन, फिर बाद में रोना नहीं भाई. हाँ तो बेटर वेट कर लो. ओके आज ऐसे पैक पैक वाला चलता है. पैक पैक वाला तोता बहना चलता है. नॉट मोर देन दैट. हाँ मेरी बच्चियों ड्रॉ लाइन मतलब यू शुड नो द लाइन, एक थिन लाइन होनी चाहिए, दैट्स फॉर ऑल माय लाडोस के लिए. लाडोस वो क्या कहते हैं, लाडलो के लिए नहीं है ये. मैं लड़कियों को कह सकती हूँ अपना बचाव खुद करो भाई, यू शुड नो है ना दैट. तो लाडलास के लिए ओके नेक्स्ट. मैं अपने बेटे को गाइड करूंगी डेफिनेटली. बाकी सारी मम्मियों का भी तो जॉब है ना, सबका मैंने थोड़ी जिम्मा लिया है. व्हाट इज योर व्यू ऑन लाइकिंग द सेम जेंडर? अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. क्या सेम जेंडर मतलब, जैसे गर्ल लाइकिंग गर्ल, बॉय लाइकिंग बॉय? या आई एम फाइन, आई एम ओके विद दैट, दैट्स देयर फीलिंग, यू कांट हेल्प इट आउट. अगर तुम चिल्पिल उनको चिल्ला भी हो तो वो तो है ना, ये चेंज नहीं हो सकता, वो छुप के करेंगे, तो आई एम ओके विद दैट. तो अगर इफ आई वुड हैव कम टू यू एंड से कि आई एम अ लेस्बियन, लाइक आई लाइक गर्ल्स, हां तो मैं क्या करूंगी ना, हो गई है ना, लाइक बीइंग अ मदर, बच्चे जैसे भी जो भी हो ऐसा ही गाइडेंस होगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. यू आर ओके इफ कबीर ब्रिंग्स अ बॉयफ्रेंड और आई वुड हैव बॉट अ गर्लफ्रेंड. हां इस टाइम पे अगर ये क्वेश्चन तुम मुझसे 12 13 14 साल पहले पूछती, क्योंकि तब तक इतना एक्सपोजर नहीं था इस चीज पे, वो रैट्स कोई और ही थे, बट अभी यस आई एम ओके विद दैट. सबको अपनी लाइफ जीने का हक है, फ्रीडम है. आई ऑल्सो थिंक यू टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था इस चीज को, कि नॉलेज नहीं थी लोगों को. नॉलेज मैं तब तक थोड़ी सी एंटी टाइप्स थी यार. हाँ तो मुझे अभी लगता है सबको अपने तरीके से जीने का हक है. फेयर इनफ. हैव यू एवर वॉच्ड पॉर्न? यस मैं तो अभी भी तुम लोगों को कह रही थी ना, हमने तो शादी से पहले भी देखी है, हम सारी फ्रेंड्स ने ना एक रूम में बंद कर कर बी 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 बिट्टी. व्हाट कैटेगरी हैव यू सीन? वो ट्रिपल एक्स. ट्रिपल एक्स है ना. नहीं मतलब गर्ल गर्ल बॉय बॉय सब कुछ होता था उसमें, वन बाय वन बाय वन. नहीं मेरे कोई रीजन नहीं. शी जस्ट सेड हम सारी फ्रेंड्स एक कमरे में बंद हो गए. हाँ क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो कोर्ट में भी होती तो क्या होता है ना, ये क्रेज सबको होता है गाइस, सब करते हैं. कई लोग बात कहते हैं नहीं किया नहीं किया नहीं किया, क्यूरियोसिटी माइंड में होती है. पर आई थिंक मैंने पहले भी सुन लोगों की, आई स्टिल रिमेम्बर हमारी 10th स्टैंडर्ड की जब साइंस की टेक्स्ट बुक आई थी उसमें बायो के जो चैप्टर्स थे, हम सब इतना क्यूरियस थे कि इसमें क्या होगा इसमें क्या. सबसे पहले हमने खोल के वही चैप्टर पढ़ा था कि इसमें क्या है. एजुकेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, और मैं आई थिंक अपने बच्चों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने ये क्या हुआ है. तब तो वो होते थे VCR ना, और कैसेट डालो ऑल दैट. सीडी में देखा आपने? नहीं वैसे कैसेट वाला. देसी जवान. नहीं देखते इंग्लिश ही थे. व्हाट आर योर व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अ गर्ल और बॉय चूजिंग टू नॉट गेट मैरिड फॉर द होल लाइफ, लाइक स्टेइंग विद देयर पेरेंट्स ओनली, शादी नहीं करनी? टू थम्स अप. लड़का या लड़की दोनों, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग की गर्ल ओनली. जैसे कभी कम्स एंड टेल्स यू कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है. बिंदास, आई एम ओके, आई एम हैप्पी. तो बट आई एम यस. और गाइस और कुछ सालों में ये आने भी वाला कल्चर. ओके तो यू आर ओके विद दैट कि ना करे शादी? टू थम्स अप. ओके कूल. अकॉर्डिंग टू यू इज देयर एनी राइट एज टू हैव सेक्स? कोई भी राइट एज नहीं है, शादी के बाद ही सेक्स हो सकता है. या अगर आप लिव इन में हो और आपको शादी नहीं करनी है, देन पापा साउंड इफेक्ट देते हैं. हाँ मतलब अभी भी मेरा वो विचार है, शादी के बाद ही सेक्स हो सकता है. बिकॉज अभी इन्होंने बोला है कि प्री मैरिटल शी इज नॉट ओके विद इट. ओके ओके व्हाट डू यू थिंक अबाउट वन नाइट स्टैंड्स? मैं नहीं, आई डोंट, मैं नहीं इसको प्रमोट करती. नहीं नो अगेंस्ट इट. या आई डोंट प्रमोट. व्हाई? ओके यू मे बी नो बिकॉज मुझे मेरा वही आप चाहे पुराने ख्यालात का करो, मुझे लगता है कि हर चीज हर एक समय पर अच्छी लगती है. बट अगेन आप लिव इन पे हो, आप ओपन रिलेशनशिप में हो, आपको शादी ही नहीं करनी है, फिर ये एक बॉडी की नीड है, गोवा है. ठीक है. आप लोगों ने कभी कबीर को सेक्स टॉक दिया है? जैसे उसको जैसे होता है ना, बुला के आओ बैठो आज बात करते हैं. हाँ मैंने कबीर के साथ किया हुआ है अबू धाबी में.
सेक्स टॉक दिया? यस मैंने दिया हुआ है, मैंने आई रियली डोंट रिमेम्बर यू गिव आपको भी मुझे भी इनडायरेक्टली बहुत बार बताया है कि व्हाट इट इज बट हाँ क्योंकि जब मुझे कभी में थोड़े से चेंजेस लगने लगे तो मैंने दिया हुआ है, मैंने वंशिका को भी दिया हुआ है, मैंने कबीर को भी दिया क्योंकि मुझे भी मिला था अपनी बड़ी सिस्टर से प्रेग्नेंट हो जाएगा, बड़ी सिस्टर ने मुझे डराया था ये इनको मिला था, इनको मासी ने बोला था कि अगर तेरे को कोई लड़का टच भी कर देगा या किस कर लोगे ना तो तू प्रेग्नेंट हो सकती है, सोचो तो आई रिमेम्बर 10th 11th स्टैंडर्ड में शी टोल्ड मी द सेम थिंग, तो मुझे जो जो मैंने अपने घर में देखा पढ़ा सीखा वो मैंने आगे बच्चों को दिया। Do you think it's okay for a person who wants to adopt kids and not become aise like naturally pregnant nahi hona, unhe adoption karna? Haan, perfectly fine, that's their choice, right? So that's open actually, Phir ek question hai, how are you so cool with your kids? Like, ya aapka nature pehle se hi aisa tha, ya with time change hua hai, ya phir aap aise hi ho, or have you evolved time ke saath saath? Ki jaise jaise, Gen Z आ रही है हमारी आगे आगे तो आप उसमें फिट इन भी नहीं, मतलब आप उनके उनके जैसा टाइप, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट मोर। रैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फिट इन वाली बात मैं बिलीव ही नहीं करती, वो मेरा अपना मोड है, मैं अपने में चलते जाती हूँ। यस अगेन आज से 13 साल, डिपेंड कंट्री टू कंट्री, तो उस टाइम बच्चे छोटे थे, इतनी फ्रीडम मैं उनको नहीं दे सकती थी, देती थी तो आज मेरे सर पे तांडव कर रहे होते थे, तो मैंने बैलेंस रखा, जहां जितनी एज तक मुझे स्ट्रिक्ट होना था मैं हुई हूँ, अभी यस मैं चिल्लू बट इन्हें मेरा दूसरा रूप अभी भी पता है, वेदर शी अभी ये शादीशुदा हो गई है बट अभी भी इसको मालूम है कि मेरी रीच कहां तक है, तीसरी आंख जब खुल जाती है ना तो बैलेंस गाइस वो इन बैंक्स के नीचे छुपी है, बैलेंस बहुत जरूरी है, वो मैं रख रही हूँ। बट हाँ इन 2 सालों में मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, टोटली मैंने हाँ मैंने वर्क प्लेस से क्विट किया, एकदम होमली हुई, मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने लिए, तो या बहुत चेंजेस है अभी बहुत है, बट अभी भी मेरी तीसरी आंख खुल गई तो बस पता है कबीर वहीं का वहीं गया, कबीर क्या मैं भी गई वो मैंने बॉन्ड बनाया था, ऐसा नहीं अभी 2 सालों में हुआ, वो शुरू से गॉड ग्रेस टच वुड। अगर आपकी शादी नहीं हुई होती लाइक अगर इवन टिल नाउ लाइक एट योर एज आपकी शादी नहीं होती तो आप इस टाइम पे आपके माइंड में कुछ था कि मेरा ये सपना होता मैं ये पूरा करती या मैं ऐसा करती? नहीं यार मुझे तो बचपन से ही शादी करनी थी, टीचर बनना था, बस यही था, मैंने तो कभी पापा देख रहे हो पर अगर आज आप मुझसे पूछा राइट या अगर हाँ अभी ये होता मैं लिव इन में होती, मैं शादी नहीं तो शी स्कूल मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ, मुझे कोई घर वो नहीं है, बट अभी शादी ये सब देख दाख के मुझे लगता है कि लिव इन बेटर, लिव इन होता आप अपने उसमें ओके ठीक है। So what would be your reaction अगर आपको पता चलता कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हूँ? मैं तेरा कत्ल कर चुकी हूँ कबीर का पार्टी में मुझे ऑनर किलिंग ऑनर किलिंग नो वे नो नो मैं जो ये सुनकर भी कुछ होता है ओके सो दिस इज लाइक द मोस्ट स्पाइसीएस्ट क्वेश्चन स्पाइसीएस्ट है जो ये आपके दिमाग आपके बड़े बेटे ने भेजा है मुझे। अच्छा अभी और है ये अर्शद की तरफ से आया कोई रुक जा इशू कि इट्स कम्प्लीटली अगर आपको आंसर करना है तो करना वरना मत कर। ऐसे गिव अप पे तो मैं बिलीव करती ही नहीं, बट लेट्स सी वी शुड नो दैट लाइन राइट। हां भाई बट मैं अर्शद को लक्स जरूर देना चाहूंगी इसका आंसर, ऑल्दो अगर यहां भी ना रुक कर। ओके सो द क्वेश्चन इज कि जैसे हम लोग पैदा हो गए कबीर और मैं, देन वी ग्रू अप एट एन एज, सो हाउ डिड यू मैनेज योर सेक्स लाइफ? ये हम लोग भी घर पे होते थे, हमें भी नॉलेज थी, हम बड़े हो गए थे, लाइक वी वर इन आवर टीन्स, कबीर 16 17 में 19, तो हम कौन सा एक ही छत पे, आपको ऐसा वो था डर कि हम सुन लेंगे या हमें? वी वर हैविंग सेपरेट बेडरूम्स, एक टाइम था जब हम शेयरिंग में थे, बच्चे भी वहीं सोते थे, बट वो टाइम जो था वो तुम बहुत छोटे थे, वो मैनेजेबल था, उसमें तुम्हें कुछ आवाज कुछ नहीं पता लगता था ठीक है, तो जब तुम एक एज में आए तब हमें पता लग गया कि शेयरिंग नहीं वर्क करेगा, देन वी हैड अ सेपरेट सेपरेट रूम, बट हाँ उसमें भी आप मेंटली रिलैक्स नहीं होते हो, बट यस वी मैनेज वेरी वेल आवर इश्यू। सो द लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन यू वर इन योर डेटिंग फेज हाउ इज दैट, हाउ वाज दैट, और आज की डेटिंग फेज में आपको क्या फर्क लगता है?
अब के टाइम का डेटिंग फेज और जो प्रेजेंट है आप कंपेयर ही नहीं कर सकते गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं तुम लोगों को बहुत बार कह, मानो जैसे अब कबीर इन फ्यूचर डेट करता है या कुछ भी करता है, तो आपके और पापा के डेटिंग फेज में और जो कबीर और उसकी गर्लफ्रेंड का डेटिंग फेज होगा, क्या बड़ा एक मेजर डिफरेंस क्या लगता है आपको? मुझे लगता, मैं ये नहीं कह रही कि कबीर मतलब जब भी वो करेगा वो लॉयल नहीं होगा, वो मेरी अपब्रिंगिंग है, उन्होंने हमारी लव स्टोरी सुनी है, हमेशा मैं गुणगान गाती रही हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट कि कबीर क्या करेगा, बट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे द सबसे मिसिंग और मेजर पार्ट जो मिसिंग है वो है लॉयल्टी। आप एक दूसरे को बस यूज कर रहे हो, आपकी आपको बस वो चाहिए एक ही चीज जो lust. है लस्ट, ये मेरा मिसा वर्ड होता है। आप कमिटमेंट देने से डरते हो, हमारे टाइम पे मुझे पता है जब मैंने मनीष के साथ, आप लोगों को मेरी लव स्टोरी पता है, मेरा फर्स्ट ही बॉयफ्रेंड, और नहीं पता तो उनका ब्लॉग देखते जाके देखिएगा। तो मैंने, मेरे लिए बॉयफ्रेंड मींस शादी, ये उस टाइम का लव होता था, ट्रू है ना। तो मुझे अब लगता है कि अरे एक आया चलो दूसरा, दूसरा आया तीसरा, और दूसरी चाहती पांचवी डेट में, मैं अगेन किसी को सबको नहीं, आई थिंक इट्स नॉट इवन जेंडर बायस्ड, इट्स इन बोथ द केसेस, गर्ल या बॉय दोनों, जरा सा कुछ हुआ तो ब्रेकअप हो गया और ये हो गया। तो मुझे लगता है कमिटमेंट से हम लोग डरते हैं आज के टाइम पे, लॉयल नहीं है, फेयर ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत है एक दूसरे से, ना, वेरी नाइस। So that was the last question जो था मेरी तरफ से, and that was all रात को मैंने कोशिश करी थोड़ा सा awkward करने की, but ये हुई नहीं इतना जितना मुझे लगा था। वैसे मैं I was very sure कि ये नहीं होंगी, because हम घर में इतना open रहते हैं सब लोग, be it हर्षित के साथ हो या हम सब इकट्ठे भी होते हैं, तो सब बहुत chill पिल रहता है scene। तो yeah, that was all for the video. Let me know in the comment section if you want a part 2 of this with more spicy questions. Drop in the comment section, and if you like the video, go. And before that, I want to give one disclaimer. This is ये Raj's की opinion, right? True. So कोई Raj का perception है, opinion है. हाँ, कोई safe fact नहीं हो, जो मुझे लगता मैंने share किया. So again, if you like it, take it. If you don't like it. That's our agenda. Yeah. So if you like the video, go like. Like. Share. Subscribe. Comment. And also bell, hit the bell icon so that you'll be notified whenever they post a new yummy video. Till then, we'll see you in the next one. And jaake Raj ki duniya ko bhi subscribe karo. We have shot amazing challenge videos there. Also, we'll see you in the next one. Bye. Om Sai Ra. Om Sai Ra. Drink water. Okay, bye.